अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कस्टम्स में ऑप्शन कैसे होता है, कहाँ होता है और कौन करवाता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि कस्टम्स में कैसे पार्ट लेना है, कौन से प्रोडक्ट ऑप्शन में आते हैं, कौन ऑप्शन करवाता है, ये सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपांकर और सभी देख रहे हैं मेरा चैनल ग्लोबल व्यापार। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, कस्टम क्लियरेंस के बारे में और बिजनेस के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट ऑप्शन के बारे में और कंटेनर ऑप्शन के बारे में, दोनों कहाँ पे होती है, किस तरीके की चीज़ें आप लोगों को एयरपोर्ट के ऑप्शन में मिल सकती है और कंटेनर के ऑप्शन में मिल सकती है। तो सबसे पहले जो सवाल आता है कि ऑप्शन होता क्या है। देखिए, ऑप्शन वो होता है जब कोई कस्टम्स को लेकर चलेंगे इस वीडियो में, क्योंकि हम कस्टम ऑप्शन की बात करने वाले हैं। तो कस्टम्स में ऑप्शन तब होता है जब कोई ऐसा गुड जो किसी ने इंपोर्ट किया हो वो क्लियर ना हुआ हो फॉर वेरियस रीजन, जैसे कि कंप्लाइंस का रीज़न हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन का रीज़न हो सकता है, कोई और सर्टिफिकेट का रीज़न हो सकता है या कुछ और रीज़न हो सकता है। किसी भी कारण से अगर वो एक टाइम पीरियड के अंदर कस्टम क्लियरेंस उसका नहीं होता और वो गुड्स रिलीज नहीं होते, तो वो कस्टम कस्टोडियन उसको अपने अंडर में ले लेता है, फिर उसको ऑक्शन के लिए डाल दिया जाता है। एयरपोर्ट में भी सेम होता है और कंटेनर के केस में भी सेम होता है। अब कौन सा माल ऑक्शन में आता है, देखिए ऑक्शन में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि कौन सा माल आएगा, कौन सा माल निकल जाएगा। हो सकता है कि कभी जूते आ जाए, कभी हो सकता है केमिकल आ जाए, कभी हो सकता है कि क्रॉकरी आ जाए, कभी किचन वेयर आ जाए, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाए। तो कस्टम जो ऑप्शन होता है उसमें कोई भी कस्टम्स के ऑप्शन में कोई भी प्रोडक्ट आ सकता है, जो बेसिकली जो भी ऐसा प्रोडक्ट है जो कि क्लियर नहीं हो पाया फॉर वेरियस रीजन, कंप्लाइंस का रीज़न हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन का रीज़न हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो सारा माल कस्टम ऑप्शंस में आता है। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि कौन सा टाइम में कौन सा ऑप्शन मिले, कस्टम्स में ऑप्शन में कौन सा माल मिलेगा। जैसे कि आप लोग मेरे से बार बार पूछते रहते हैं कि भाई मेरे को ये सामान लेना है ऑप्शन से, ये सामान लेना है ऑप्शन से, तो मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को कि वो सामान कब आने वाला है। हो सकता है कि किसी कोई इंपोर्टर आगे फ्यूचर में जाके ऐसा कोई सामान जैसे कि कपड़ों का कंटेनर इम्पोर्ट कर ले और उसको वो प्रॉपर उसको फॉलो ना कर पाए, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड ना कर पाए। हो सकता है कि कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम इम्पोर्ट कर ले जैसे LED लाइट, जिसमें कि BIS सही होता है, तो वो BIS प्रोवाइड ना कर पाए टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि BIS के लिए भी एक लंबा प्रोसीजर होता है, उसमें भी खर्चा आता है। हो सकता है कि LED लाइट फिर ऑप्शन में आ जाए। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि कौन सा माल कब ऑप्शन में आएगा। जो भी ऑप्शन होता है जब एक पर्टिकुलर उनका बहुत सारा कंटेनर आ जाता है, जब एक साथ उनका हो जाता है, तो वो एक कस्टोडियन जो है वो लॉट वाइज ऑप्शन करवाता है। एयरपोर्ट के ऑप्शन और कंटेनर डिपो के ऑप्शन अलग अलग होते हैं, अलग अलग अथॉरिटी, अलग अलग कस्टोडियन के ऑप्शन अलग अलग टाइम पे होते हैं। उन सबकी जानकारी आपको एमएसटी से मिलती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल कि ऑप्शन में पार्ट कैसे लेना है और ऑप्शन करवाता कौन है। देखिए, ऑल ओवर इंडिया में जितनी गवर्नमेंट कंपनीज हैं उन सभी का ऑप्शन एमएसटीसी करवाता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है, जो कि पहले जब उसको बनाया गया था तो वो मेटल स्क्रैप में डील करता था, फिर बाद में उन्होंने अपना ई कॉमर्स में भी शुरू किया, उनको एक नई पहचान मिली। और ऑल ओवर इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज के ऑप्शन होते हैं, जैसे कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हो गया आपका, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, इन सभी कंपनीज के ऑप्शन जो है वो एमएसटीसी कंडक्ट करती है। अब ऐसा नहीं है कि एमएसटीसी सिर्फ कस्टम्स के ही ऑप्शन कंडक्ट करती है, एमएसटीसी इन सारे कंपनीज के जो गुड्स होते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज होगी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, उनमें बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, कैपिटल गुड्स होते हैं, तो उनका भी एक एक्सपायरी डेट होता है, उनका भी एक यूज डेट होता है, जब कंपनी को लगता है कि हाँ भाई हमने इस कंपनी इस मशीन से प्रॉपर अपना पैसा वसूल कर लिया है या पूरा यूज हो चुका है, अब ये हमारे यूज के लायक नहीं है, हमें मशीन अपग्रेड करनी है, तो वो बड़ी बड़ी मशीनें आपको कबाड़ी की दुकान पर तो बेचेंगे नहीं, तो उन बड़ी बड़ी मशीनों को फिर एमएसटीसी के थ्रू ऑक्शन में डालते हैं, जो भी सबसे ज्यादा बिडिंग उसमें करता है, फिर वो उस मशीन को अपने यूज के लिए ले जाता है, फर्दर उसमें थोड़ा सा उसको रिपेयर करके फिर उसमें वो दोबारा अपना प्रोडक्शन करता है छोटी कंपनी जो होती है। तो ये हो गया एमएसटीसी का फंडा कि एमएसटीसी पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो एमएसटीसी कंडक्ट करती है, और सारे के सारे ऑप्शंस आज की डेट में ऑनलाइन होते हैं। चलिए, आपको ये समझ में आ गया कि ऑप्शन कब होता है, कैसे होता है, कौन करवाता है, कौन सा माल ऑप्शन में मिलता है। अब बात करते हैं एयरपोर्ट ऑप्शन के और कंटेनर ऑप्शन के, दोनों ऑप्शन में क्या फर्क है। लेकिन दोनों ऑप्शन में माल पहुंचने का तरीका एक ही होता है, इम्पोर्ट एयर से भी होता है, इम्पोर्ट सी से भी होता है। जो सी से इम्पोर्ट होता है वो जनरली LCL होता है और आपका कंटेनर में आता है, जो कि बहुत हैवी क्वांटिटी, ह्यूज क्वांटिटी में होता है, और एयर के थ्रू जो माल इंपोर्ट किया जाता है वो जनरली कम क्वांटिटी में होता है और वो ट्रेडिंग आइटम जनरली ज़्यादा होता है। तो एयर 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 ऑप्शन की बात करते हैं, यानी कि एयरपोर्ट में जो ऑप्शन होता है उसकी बात करते हैं। देखिए, एयरपोर्ट में दो अथॉरिटीज है इस टाइम हमारे IGI एयरपोर्ट में, वो है एक है SLV, एक है DCSC। दोनों के ऑप्शन अलग अलग टाइम पे होते हैं, बट दोनों के ऑप्शन आपको MSTC के थ्रू ही कंडक्ट किए जाते हैं। तो एयरपोर्ट ऑप्शंस में जो माल आता है वो आता है, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ कि एयरपोर्ट ऑप्शन में लास्ट टाइम जो ऑप्शन हुआ था उसमें कौन कौन सा माल था। एयरपोर्ट ऑप्शन में
जो ऑप्शन माल आता है उसमें आप ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जो वहाँ पे जो एक्चुअल में जो वो माल मिलने वाला है वो आपकी काम की चीज़ होने वाली है, जैसे कि मदरबोर्ड हो गया, कंप्यूटर के स्पेयर पार्ट्स हो गए, कपड़े हो गए, घड़ियाँ हो गई, जूते हो गए, आपको सारी चीज़ें स्क्रीन पर दिखते रहेंगे, तो आप देखते रहिएगा। ये सारी चीज़ें जो एक्चुअली कंज्यूमर गुड्स हैं, जो छोटी क्वांटिटी में लोग ट्रेडिंग के लिए मंगवाते हैं, ट्रेडर्स छोटी छोटी क्वांटिटी में मंगवाते हैं फिर बेचते हैं, उन वो चीज़ें जो मज़ेदार चीज़ें हैं, जिनको मैं कहूँगा कि मज़ेदार चीज़ें जो है वो एक्चुअल में एयरपोर्ट ऑप्शन में आती हैं। तो एयरपोर्ट ऑप्शन में पार्ट लेने का तरीका भी सेम है, और कंटेनर ऑप्शन में पार्ट लेने का तरीका भी सेम है, दोनों के रजिस्ट्रेशन सेम होती है, दोनों एक ही प्रोसेस है, एक ही चीज़ के अंदर दोनों इंक्लूडेड है। आप उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से आप पार्ट ले सकते हैं। तो एयरपोर्ट ऑप्शन में ये सारे आइटम्स आते हैं। और अब जब बात करते हैं हम कंटेनर ऑप्शन की, तो कंटेनर ऑप्शन में क्या होता है, कंटेनर ऑप्शन में फिर पूरा कंटेनर आता है। हम कंटेनर की बात करके चलते हैं, एलसीएल में ज्यादा ऑप्शन नहीं होता है, कंटेनर ऑप्शन लेके चलते हैं इस टाइम पे हम, कि पूरा कंटेनर। अब पूरा कंटेनर जो लोग मंगवाते हैं वो जनरली या तो इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं या तो स्पेयर पार्ट्स होता है, कंज्यूमर गुड्स भी होता है, मैं मना नहीं करूंगा कि कंज्यूमर गुड्स वहां पे नहीं आते, बट ये जब आप कंटेनर की बात लेके चलते हैं तो उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है गुड्स की, और उसकी जो ऑक्शन में बिडिंग भी जाने वाली होती है वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा होती है। तो एयरपोर्ट में जो आता है वो आता है छोटी क्वांटिटी में कंज्यूमर गुड्स मजेदार वाला, और जो कंटेनर में आता है वो आता है आपका हैवी क्वांटिटी में, इंडस्ट्रियल गुड्स हो गया आपका, हो गया मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, हो गया आपका स्पेयर पार्ट्स, और ट्रेडिंग गुड्स भी आते हैं वहाँ पे, जैसे कि जूते वगैरह के कंटेनर भी बीच में आए हुए थे, झाड़ू के कंटेनर आए हुए थे, चेयर वगैरह फर्नीचर वगैरह के कंटेनर्स वहाँ पे भी आते हैं। बट जो छोटी बिडिंग लगती है जिससे कि आप स्टार्ट कर सकते हैं, मुझे लगता है कि जहाँ से अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं सीधा आप पार्ट ले सकते हैं और बिडिंग कर सकते हैं, तो वो है एयरपोर्ट वाला ऑप्शन। एयरपोर्ट वाले ऑप्शन में सारी मजेदार चीजें आती हैं, घड़ियां हो गई, मदरबोर्ड हो गए, आपके छोटे छोटे जो कंज्यूमर आइटम होते हैं, आप तो समझ ही सकते हैं जब एयर से कोई चीजें मंगवाता है तो वो छोटी छोटी मजेदार चीजें होती हैं, जैसे कि घड़ियां हो गई, जूते हो गए, क्या कहते हैं, कपड़े हो गए, आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कपड़े हो गए, और बाकी दूसरे जो क्रॉकरी आइटम हो गया आपका, दूसरे जो घर में ट्रेडिंग मार्केट में मिलने वाली चीजें, वो चीजें आपको एयरपोर्ट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी कंटेनर में भी मिलता है, बट ये कि कंटेनर में जब आप बोली लगाते हैं वो कहीं ना कहीं बोली लाखों में जाती है। तो आपको समझ में आ गया कि एयर का जो ऑप्शन होता है और कंटेनर का ऑप्शन होता है वो सेम ही होता है, बस क्वांटिटी का फर्क है, बोली का फर्क है, बिडिंग का फर्क है। अब बात करते हैं कि इसमें पार्ट कैसे लेना होता है। देखिए इसमें पार्ट लेने का तरीका एक ही है, एक ही पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैंने बता दिया कि एमएसटीसी है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, साल के करीबन 10,000 रुपये जाते हैं उसके अंदर। आपका रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका आईडी पासवर्ड जनरेट होता है, प्लस आपको कोई भी जो ऑप्शन आने वाला है फ्यूचर में उसकी मेल अलग से आ जाती है आप लोगों को जब आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, और वो रजिस्ट्रेशन जो है 1 साल की वैलिड होता है, हर साल आपको रिन्यू करना होता है। अब जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे एमएसटीसी में, आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, तो उसके बाद ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ऑप्शन होंगे उन सब में आप जाके पार्ट ले सकते हैं, उन सबको आप बोली लगा सकते हैं अगर वो काम की चीज़ है और अगर आप उन चीज़ों में बोली लगाना चाहें। अब आप एयरपोर्ट में अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के आसपास रहते हैं और आपने एमएसटीसी में रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो एयरपोर्ट में जब भी कोई ऑप्शन होगा तो उसका मेल आपको आ जाएगा अलग से, उस दिन जिस दिन जो डिस्प्ले वाला दिन होगा उस दिन आएंगे आप, माल को देखेंगे, माल का नंबर वगैरह नोट करेंगे कि कौन सा माल क्या है, फिर सिमिलर आइटम सिमिलर जो लिस्ट होगी वो लिस्ट आपको 1-2 दिन बाद ऑनलाइन दिख जाएगी, और फिर आपको ऑनलाइन उस प्रोडक्ट कोड के अकॉर्डिंग या जो भी वहाँ पे लिस्ट का कोड है उसके अकॉर्डिंग आपको फिर बोली लगानी होती है, बोली वहां पे दिख जाती है कि कौन कितना बोली लगा रहा है। तो ये तरीका होता है एयरपोर्ट का, सिमिलर तरीका होता है कंटेनर का। कंटेनर में भी जिस दिन कंटेनर खुलते हैं डिस्प्ले वाला दिन होता है उस दिन आप सब लोगों को इनवाइट किया जाता है, आपका गेट पास बनता है आपकी आईडी पासवर्ड से, जैसे कि एयरपोर्ट में बनता है वैसे ही कंटेनर आईसीडी में भी बनता है। तो आपको जाना है अपना आईडी पासवर्ड दिखा के गेट पास बनाना है ऑप्शन के लिए, फिर ऑप्शन वाले एरिया में जाना है, आपको कंटेनर देखना है, आपको अपने अकॉर्डिंग उसको वैल्यूएशन करना है, जैसे कि आपने अपने हिस्ट्री चैनल वगैरह में आता है, आपने देखा ही होगा स्टोरेज वॉर्ड्स वगैरह में देखते होंगे आप लोग, तो अपने अकॉर्डिंग उसका देखना है कि क्या भाई क्या बोली हो, क्या इसमें क्या वैल्यू होनी चाहिए, मैं क्या इसमें बोली लगाने वाला हूँ, कंटेनर नंबर और दूसरी डिटेल्स आप लिख लेंगे। कुछ दिनों बाद जब वो चीज़ें ऑनलाइन आएंगी बिडिंग के लिए, जब वो चीज़ें ऑनलाइन आ जाएंगी, लिस्ट ऑनलाइन आ जाएंगी, प्रोडक्ट कोड और नेम सारी चीज़ें ऑनलाइन भी दिख जाएंगी आपको, तब आप उसको देख के जब बोली लगाएंगे कि हाँ भाई ये कंटेनर में ये माल था और इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए, तो मैं हिसाब से इसमें बोली लगाने वाला हूँ। ये ओवरऑल फंडा था कस्टम्स ऑप्शन में पार्ट लेने का। और अभी मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ कि कुछ दिनों में एक ऑप्शन होने वाला है आईसीटी टिकेटी में, मैं भी आईसीटी टिकेटी में काम करता हूँ, तो आईसीटी टिकेटी में भी कुछ दिनों 24-25 तारीख को एक ऑप्शन होने वाला है, तो मैं आपको उसकी लिस्ट भी दिखा दूंगा स्क्रीन पे वो लिस्ट दिखा दूंगा, तो आपको एक आइडिया भी हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने ऑप्शन की 2-3 वीडियो बना रखे हैं, आप जाकर उन वीडियोज को भी चेक कर सकते हैं, नीचे ऊपर आइकन और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा। और अगर ऑप्शन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं,
और इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग, ऑप्शन के रिगार्डिंग चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आगे भी मैं ऑप्शन से रिलेटेड और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कस्टम क्लियरेंस, बिजनेस रिलेटेड वीडियोज लाता रहता हूँ इस चैनल पे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।